हेलो फ्रेंड, मेरे फूड फैमिली में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक और लौकी की सब्जी। तो मैं ज़रा सा सोया भी ली हूँ। एक बार मैं पालक और लौकी की रेसिपी दिखाई थी, तो मैं दोबारा वही रिपीट करने वाली हूँ। तो ये है मेरा सोया पालक और ये है मेरा लौकी। तो लौकी मेरी घर की है, बिल्कुल ताज़ी है। और मैं लोहे के कढ़ाई में इसको बनाऊंगी। जरा सब्जी काली बनती है लेकिन टेस्टी बहुत ही होता है। तो ठंडी में मैं ज़्यादातर आलू मटर और आलू गोभी लौकी ये सब की सब्जी मैं लोहे के कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि फायदा भी करता है। तो मैं आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं लौकी को छील लेती हूँ। तो फ्रेंड, हम लौकी को छील लिए हैं, चल रहे हम लौकी काटने। और पालक भी धुल लिए हैं और अब लौकी काटेंगे। इस तरह से कट करेंगे। सच बताऊं तो मुझे लौकी काटने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि इसमें मेहनत भी नहीं होती है और काटने में तो कुछ ही मतलब ना मजा आता है। सबसे अधिक मजा लौकी ही काटने में आता है। और ठंडी की लौकी तो बहुत ही मीठी होती है। तो इस तरह से हम काट लेते हैं। और ज़्यादा महीन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि लौकी तो मेरी गल जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा महीन नहीं काट रहे हैं, ज़रा बड़ाई बड़ाई काट रहे हैं। इस तरह से हम सारे लौकी को काट लेंगे। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि कैसी सब्जी बनी है। और ये मेरी ग्रीन वाली लौकी है, यानी जो जरा ब्लैक टाइप की होती है गांव वाली। एक तो जरा व्हाइट में होती है, उतनी मीठी नहीं लगती है, और ये जरा डार्क ग्रीन रहता है। और लौकी बहुत ही मीठी होती है। इस तरह से हम सारे लौकी को काट लें। मेरी सब्जी कट कर रेडी हो चुकी है इस तरह से। और हम पालक भी काट लिए हैं। मेरा सोया पालक मिक्स है। तो चलते हैं, अब हम छौंका लगाना है। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैं लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, ज़रा से ही डालना है, क्योंकि लौकी में ज़्यादा तेल नहीं चाहिए। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकती हैं, बट मैं तेल में ही बना रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें ज़रा सा हम डालेंगे जीरा और ज़रा सा सूखा मिर्ची डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ज़रा सी डालूंगी, क्योंकि लौकी में ज़्यादा मिर्च घिसटता है। और मैं डालूंगी लौकी इस तरह से। डालेंगे पालक। हम डालेंगे थोड़ा सी हल्दी इस तरह से, और ज़रा सा नमक डालेंगे, क्योंकि लौकी पक के थोड़ी सी हो जाएगी तो नमक मेरा तेज हो जाएगा। तो इसलिए हम ज़रा सा नमक डाल लेते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं। मेरी लौकी बनकर रेडी होने वाली है। इसको ज़रा सा हम भूनेंगे, ज़रा ज़रा पानी है, तो अच्छी तरह से सूखा लेते हैं। और इसमें डालते हैं धनिया की पत्ती
तो चलते हैं पहले हम धनिया छांट लेते हैं। तो डियर फ्रेंड मेरी सब्जी बनकर रेडी हो चुका है और इसमें डालेंगे हरा धनिया और कढ़ाई से हम सब्जी को बाहर करते हैं क्योंकि लोहे के कढ़ाई में जब सब्जी बन जाती है तो उसके तुरंत बाद बाहर निकाल लेना चाहिए। मेरी सब्जी कैसे लगी आप लोगों को, खा के पास तो है नहीं कि हम खा के बताएं, तो मेरी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये रही मेरी सब्जी, तो सब्जी को हम निकाल ली है बाहर। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय।